संजना वीडियो ऑन कीजिए। अब कंप्लीट की संजना की नहीं की अभी तक सर संजना कह रहे हैं बाबू। हाँ ठीक है कंप्लीट की बाबू संजना। एलजेब्रा एक्सरसाइज कंप्लीट की क्या अभी बची है रहा? नो सर नहीं बच रहा थोड़ा सा नहीं बच रहा। हाँ चलो ठीक है। क्या कर रहा बाबू दिया वो आप क्वेश्चन आप लोग सारे सारे स्टूडेंट के पास बुक है बाबू। ठीक है प्रधान आप पापा से फोन कर लेना बाबू भेज देंगे। नहीं कितना दिन ऐसे पढ़ोगे बिना बुक का। कह रहा बाबू एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर 250 के आसपास लगेंगे बाबू। 150 रुपया बुक का 100 रुपया कोई सर बात क्या था आज पापा से। अच्छा बाबू ठीक है क्या कर रहा बाबू इफ एक्स स्क्वायर बाबू प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर। नहीं बाबू तो आपके बगल में कौन है? ओम शर्मा है ना बाबू बगल में? सर मैं उसका घर में सर दूर हो सर थोड़ा नीचे में सर ग्राउंड तो नीचे ऊपर। ठीक है वो क्या दिक्कत है बाबू उससे मांगो आप फोटो कॉपी करवा लो पैसा बचाना बहुत है सर। फोटो कॉपी करवा लो जैसे जैसे चैप्टर होते फोटो कॉपी करवा लो। ठीक है तो एक्स स्क्वायर बाबू प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर 27 दिया तो कह रहा बाबू फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू फाइंड द देन द बाबू। तो अलजेब्रा एक्सरसाइज का मांगना उसका फोटो कॉपी करवा लेना देन फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू बाबू फाइंड द वैल्यू किसका सर x की माइनस वन बाई एक्स का देन फाइंड द वैल्यू बाबू फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का। ठीक आई अदित रिक नहीं आई तो शैतान प्रखर दीपक चलो ठीक है। तो एक्सरसाइज बनायो दीपक बाबू। दीपक ये दीपक अरे शैतान बोलो ना पहला वाला क्या पहला वाला अलजेब्रा का बाबू अलजेब्रा एक्सरसाइज का कंप्लीट किए हो? देखो शैतान अच्छा ठीक है क्या कर बाबू एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू निकालने का रहा एक्स क्यू बाबू माइनस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू निकालने का रहा है ना। ठीक है तो ये अल्टीमेटली है क्या बाबू एक क्यू और माइनस वन ये क्या वो एक क्यू माइनस बी क्यू का है इसको बाबू वन बाई एक्स क्यू है ना शांति से समझिए जानवी दास। एक्स क्यू बाबू और वन बाई एक्स का क्या लिख सकते हैं होल क्यू लिख सकते हैं वन बाई एक्स क्यू का हम लोग क्या वन बाई एक्स का होल क्यू लिख सकते हैं। तो क्या हो गया एक क्यू माइनस बी क्यू तो एक क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला कल बताए थे एक क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बाबू ए माइनस बी होता है ना बाबू इंटू क्या होता है ए स्क्वायर होता और प्लस ए बी प्लस कितना होता है बी स्क्वायर होता यही होता ना बाबू कल तो बताए थे एक क्यू माइनस बी क्यू का क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक सर तो इसको ए मान लो इसको बी मान लो इसको ए मान लो इसको बी मान लो तो क्या होंगे एक क्यू हो जाएंगे। अरे शैतान इस एक से इसको ए मान लो और इसको बी मान लो एक्स को ए मान लो और वन बाई एक्स को बी मान लो तो फार्मूला पे आ जाएगा फार्मूला पे आ जाएगा। तो फार्मूला क्या है सर ए माइनस बी है ए माइनस बी शांति से सुनो तो ए क्या हो गया एक्स हो गया और बी है सर बी है सर तो बी क्या है सर वन बाई एक्स है। ठीक नेक्स्ट बाबू फिर क्या सर ए का स्क्वायर है तो यहाँ ए की जगह क्या बाबू एक्स है तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू प्लस है ए बी है सर तो ए एक्स की जगह एक ए की जगह क्या एक्स है सर अब बी की जगह क्या वन बाई एक्स है तो ए है अब बी है सर तो ए बी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस क्या बाबू बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है तो बी के यहाँ जगह क्या सर वन बाई एक्स है तो वन बाई एक्स का बाबू अभी यहाँ पे देखना शैतान शांति सुनो वन बाई एक्स का स्क्वायर दो या बाबू वन बाई एक्स का स्क्वायर दो वन बाई एक्स का होल स्क्वायर दो बाबू चाहे वन बाई एक्स का स्क्वायर करो दोनों सेम है क्योंकि बाबू ये पावर स्क्वायर इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा वन पे भी स्क्वायर आएगा एक्स पे भी स्क्वायर आएगा तो वन को दो बार मल्टीप्लाई करोगे वन आएगा ना। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बाबू कैप कहाँ गिर गया। ठीक है सर नेक्स्ट बाबू अब बाबू इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो एक्स माइनस वन बाई एक्स बाबू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ न्यूमिनेटर डोमिनेटर सेम है बाबू न्यूमिनेटर डोमिनेटर क्या है सेम है क्लियर दिख रहा है जानवी दास बाबू क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर दिख रहा है। चलो ठीक है एक्स एक्स कैंसिल हो गया बाबू है ना एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो कैंसिल होगा तो कल हम लोग यही मिस्टेक कर रहे थे एक्स एक्स कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा प्लस वन बचेगा ना बाबू एक्स एक्स कैंसिल होगा तो वन तो बच ही जाएगा ना यही वन कल छूट रहा था आंसर नहीं आ रहा था। तो ठीक बाबू प्लस कितना हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा कल मेरा यही वन छूट रहा था जिसके कारण आंसर नहीं आ रहा था ना।
यहाँ वन बचेंगे ना नेक्स्ट को x माइनस वन बाई एक्स एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर को एक जगह लिखो तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक ठीक बाबू नेक्स्ट बाबू एक्स माइनस वन बाई एक्स हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया 27 दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ सर क्वेश्चन में दिया हुआ 27 दिया हुआ अब प्लस कितना बाबू वन है ठीक तो एक्स माइनस वन बाई एक्स बाबू कितना हो गया सर मल्टीप्लाई 27 प्लस वन कितना 28 हो गया अब बाबू यहाँ से एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे क्या करें बाबू एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तब ना वैल्यू निकल पाएगा बाबू एक क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू का तो एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इसी को फाइंड करना ठीक है ना तो कैसे फाइंड करेंगे बाबू ठीक है इसके वैल्यू फाइंड करो हमको इसकी वैल्यू निकालना x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू निकालना नीचे कट रहा है क्या बाबू थोड़ा सा कट रहा है ठीक है हमको किसकी वैल्यू निकालना बाबू x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू निकालना है ना x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू निकालना तो हम लोग कैसे निकालेंगे सर कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे निकालेंगे बाबू है ना तो इधर निकालने की कोशिश करते हैं ठीक देखो क्या दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर दिया तो फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे तभी अलजेब्रा का क्वेश्चन बन पाएगा नहीं तो नहीं बन पाएगा है ना तो इसको कैसे लिख सकते बाबू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ठीक है सर तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते सर कैसे लिख सकते बाबू इसको बाबू अगर ऐसे लिख देते हैं एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी तो यहाँ क्या कर दो प्लस टू ए बी कर दो इस फार्मूला को बाबू फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं देखो एक फार्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है बाबू क्या होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर होता है बाबू और यहाँ से माइनस आएगा तो यहाँ से प्लस टू ए बी होता है ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाबू अब प्लस क्या होते टू ए बी होते टू ए बी होते है ना ये फार्मूला होता है सब याद रखना पड़ेगा तभी बन पाएगा क्वेश्चन है ना शैतान तो ये फार्मूला है बाबू ये टू ए बी है शैतान ये आपके फार्मूला होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ठीक है तो यहीं पे बाबू अब इसी में ठीक है अब इसी में क्या करें बाबू एक जगह क्या रख दो एक्स रख दो और बी की जगह क्या रख दो वन बटा एक्स रख दो है ना ठीक है सर ठीक है अब इसको बाबू थोड़ा सा इसको भी बैठाने की कोशिश करो मतलब क्या सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला सर ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस टू ए बी ठीक ठीक सर अब एक जगह अगर हम लोग एक्स रख देते हैं एक जगह क्या रखें बाबू एक्स रख देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा बी की जगह क्या रख देंगे वन बाई एक्स रख देंगे तो क्या हो जाएगा वन बटा एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ठीक ठीक बाबू ठीक ठीक इक्वल टू क्या हो जाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाबू तो एक जगह क्या रख देंगे सर वन बाई एक जगह क्या है सर एक्स यहाँ पे बाबू एक जगह क्या एक्स है तो एक जगह एक्स रख दो तो एक्स हो गया माइनस कितना हो जाएगा वन बाई एक्स हो जाएगा का स्क्वायर अब प्लस बाबू टू इंटू एक जगह क्या है सर एक्स रख देते हैं एक जगह एक्स बी की जगह वन बाई एक्स रखो ना क्यों सर क्योंकि बाबू एक्स के फॉर्मेट में तो ई एक्स हो गया ये कितना हो जाएगा वन बाई एक्स हो जाएगा तो ई एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा एक्स एक्स क्या हो जाएगा सर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेंगे x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बच जाएगा प्लस टू बच जाएगा है ना तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा है ना ये फॉर्मूला आ गया ठीक है ना ठीक है सर अब तो स्पेस नहीं बचा बाबू मतलब हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते बाबू एक्स स्क्वायर बाबू प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया अब प्लस कितना हो गया टू हो गया है ना ये फॉर्मूला बन गया है ना अब बाबू यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना सर 27 है तो इसकी वैल्यू कितना दिया 27 दिया हुआ और इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है तो नहीं पता तो इसको रहने दो है ना और ये प्लस टू हो गया टू बाबू इधर आएगा प्लस टू तो राइट साइड लेफ्ट साइड लाओगे तो क्या होगा माइनस में आएगा ये बताएं जब 21 आता तभी बताएं ना बाबू तो ये 27 हो गया माइनस टू हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा x माइनस वन वाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक 27 में बाबू टू टू सब ट्राइड करो तो 25 हो जाएगा बराबर कितना x माइनस वन वाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है यहाँ तक लिखो फिर बता रहे हैं बाबू समझ में आ रहा है जानवी शर्मा सो रही बाबू जानवी शर्मा
यस सर आ रहे हैं सर। इसके बाद टेंशन पर बता दीजिएगा ना। अच्छा बता रहे बता रहे, सारा सीक्वेंस से बताएंगे। लिखे जानवी दास, समझे जानवी दास? जानवी दास बाबू यस। अदित्रि लेट से क्यों कर दी बाबू? अदित्रि ये अदित्रि यस सर। लेट क्यों कर दी बाबू? सर स्कूल का होमवर्क कर रही थी। अरे बाबू आप तो हद करते बाबू, मेरे तो होमवर्क तो आपको क्लास पता था ना बाबू कि 8:15 से है। होमवर्क तो आगे पीछे भी कर सकते हैं बाबू, आप लोग के कारण हम टाइम चेंज किए बाबू। कितना स्कूल वाला परेशान करते, हमको समझ में नहीं आता बाबू। कितना या तो होमवर्क स्लो करती है बाबू, कितना होमवर्क देते हैं एक आध दिन थोड़ा बताना तो अदित्रि। धीरे धीरे लिखते हो क्या बाबू? अदित्रि ए प्यारी सी दुलारी सी अदित्रि, लिखे जल्दी से लिखो बाबू। समझी प्रखार? कभी भी डाउट है बाबू कन्फर्म हो ना प्रखार? यस सर। संजना समझे? समझे संजना? यस सर। हाँ बाबू आधा मन से बोल रहे हैं, समझ गए कि कितना समझे। लिखो बाबू। तो यहाँ से हमको समझना वैल्यू बता दे तो बाबू, x माइनस वन बाई x के होल स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर इधर आएंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा बताओ? सर मैं बताऊं सर? सर किसमें कन्वर्ट होगा बाबू? दीपक बाबू आप तो बता दो बाबू, सुबह में पढ़ा दिया ना आपको, तो सूर्य बोले थे ओम शर्मा कि तीन टाइम दवा खाओ बाबू फायदा करेगा, तीन तीन खुराक खाए बाबू। यस सर अभी चौथा टाइम खाने का तैयारी चल रहा है सर। अरे सेता सर जबरा बस करेंगे सर, थोड़ा बहुत जो डाउट हो जाए। जानवी शर्मा भाग गई? जानवी शर्मा नो सर नहीं भागे। सुबह के क्यों पढ़ रही बाबू? बैठ के पढ़िए। पढ़ रहे हैं सर। हाँ बाबू चलो ठीक है। हाँ बाबू अलजेब्रा को ऐसा मजबूत करो कि किसी को पढ़ा दो तुम। लिखे दीपक जल्दी लिखो बाबू। ठीक है अब माउस नजदीक में रखना दीपक, ताकि बाबू रिस्पांस देने में आपको आसान हो, है ना? माउस में लंबा वाला बाहर ला लिया, नजदीक रखो। अदित्रि ने अच्छा ठीक है, अदित्रि ने ना समझ में आया बाबू? ये तो होमवर्क है, स्कूल का होमवर्क से परेशान रहते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता कितना स्कूल वाले होमवर्क देते हैं। बोलो ना बाबू। यस अदित्रि स्कूल के होमवर्क से परेशान रहते बाबू? तो आपको फिर से पढ़ना बाबू, अगर फिर से सीखना है अलजेब्रा तो 7:15 से क्लास शुरू होता है, उसमें बाबू शुरू होगा अलजेब्रा, उसमें फिर से कर सकते हो। अगर डाउट है तो फिर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 बाबू इतना हो जाएगा, है ना बाबू? तो इसको फर्दर हम लोग ऐसे लिखेंगे, हमारी जानवी दास का ठीक है वो इसमें हैंडल कर लेंगे, आप उसमें आ सकते हो, क्या दिक्कत है? पढ़ोगे फिर से बाबू? जितना पढ़ा कह रहे बाबू अलजेब्रा फिर से पढ़ोगी? नो सर। का है बाबू मन भर गया? बोलो ना दित्री बाबू, मेरे रिस्पांस नहीं देते बाबू। सबसे पहले चैप्टर अलजेब्रा का ही है ना सर? देखो सुल्तान क्या किया, वो कुछ नहीं किया। 25 बाबू 25 बराबर x माइनस 1 का x का, अब इसको हमने राइट ले लिया, इसको लेफ्ट कर लिया, है ना बाबू? अरे सुल्तान 3 बराबर 2 है तो 2 को इधर लिखो, 3 को इधर लिखो, तो 2 बराबर 3 नहीं लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं शैतान, है ना? ऐसे एक्चुअली होता नहीं बाबू, है ना? होता नहीं। तो इसको हमने इधर कर लिया और 25 को क्या राइट साइड भेज दिया। अब बाबू यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, तो ये पावर उछल के इधर जाएगा बाबू, इधर जाएगा तो ये बाबू स्क्वायर रूट में आ जाता है, ये स्क्वायर रूट में आ जाता है, स्क्वायर रूट में आ जाता है। वो चैप्टर आता है स्क्वायर रूट, उसको पढ़ाएंगे, है ना? तो स्क्वायर रूट 25 का वैल्यू होता है बाबू, 25 होगा का था। तो स्क्वायर रूट कहने का मतलब किस नंबर को बाबू दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 25 होगा,
किस नंबर को? फाइव को। तो बाबू जिस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करने से अंदर वाला नंबर आ जाएगा तो वही नंबर रिजल्ट होगा, फाइव होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? फाइव हो जाएगा। एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना हो गया? फाइव हो गया, है ना बाबू? फाइव। अब इसी वैल्यू को बाबू यहाँ पे रख देंगे, इसी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, इसे यहाँ पे रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, है ना बाबू? है ना। तो इसको इसको बाबू इक्वेशन वन दे देना। यहाँ जो ये एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू 28 मल्टीप्लाई किया ना सिद्धांत, इसको इक्वेशन वन दे दो, वन दे दो, वन दे दो, है ना बाबू? वन दे दो, ठीक है, ठीक है। तो फ्रॉम बाबू इक्वेशन पुट द वैल्यू बाबू, इसका वैल्यू कहाँ? इक्वेशन वन में रख देंगे। पुट द वैल्यू बाबू, अदित्रि बोलिए ना बाबू। यस सर। बाबू कह रहा है इस बैच में अगर दिक्कत हो रहा बाबू, ऐसा कल से तो बोर्ड मार्क्स पढ़ाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। पुट द वैल्यू बाबू, नेक्स्ट चैप्टर से आपको दिक्कत नहीं होगा। कल से बोर्ड मार्क्स पढ़ाइएगा सर। अरे इसका सोल्यूशन खत्म हो गया तो नहीं, तो इसका सोल्यूशन आप संडे को करवा देंगे सर। वो इन इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट बाबू, इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट यही है ना सर? फर्स्ट यही ना बाबू, इक्वेशन फर्स्ट तो मेरा यही है सर। हाल ही फिलहाल से बाबू एक्स क्यूब वाला वो प्लस वन वाई एक्स क्यूब, इक्वेशन फर्स्ट यही ना सर? एक्स माइनस सर 5 दिन बाबू, सर 5 दिन, ठीक 28। एक्स माइनस वन वाई एक्स की वैल्यू क्या है सर? 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 28 कितना हो जाएगा बाबू? 28 मल्टीप्लाई 5 140 हो जाएगा। तो यही वैल्यू आपका आ गया, एक्स क्यूब प्लस वन वाई एक्स क्यूब का वैल्यू पूछ रहा था। सर कल का अलजेब्रा का लेक्चर नहीं डाला है सर बाबू, इसका रिकॉर्डेड नहीं ना सही से हो पाया था बाबू, इसलिए नहीं डाला, बुक का सॉल्यूशन कर नहीं डाला है। लिखो जल्दी से सर, मेरा चालू कर, बोल दीजिएगा सर मुझे करना है फिर से। अच्छा ठीक है बाबू, सर नंबर 7। अच्छा ठीक है, नंबर 7 बता रहा है। अरे शैतान पीछे कैसे चल गया बाबू? बोलिए जानवी दास, कौन सा क्वेश्चन में डाल? तो बहुत आसान है सर, बस पुट करना है। हाँ बाबू नंबर 7 में पुट करना है, एक्स के जगह बाबू 3/3 होल 1/2 रख दो, जितना जितना वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करना है और ऐड करना है। सर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 14 बताइएगा। 10 नंबर बाबू आप दिखाए, ऑप्शन पुट करो और डिवाइड करके देखो। ऑप्शन ए रखो बाबू, एक जो एक से उसको डिवाइड करो। ऑप्शन बी रखो बाबू, सारे ऑप्शन को पुट कर करके देखना है, देखना है क्या सर? एक करके दिखाइए ना सर, एक कर। अच्छा ठीक है, ठीक है, 10 नंबर बता दीजिए ना सर। अच्छा ठीक है, बता रहे हैं। यस सर 10 नंबर बता दीजिए, नहीं समझ में। जल्दी से लिखो, लिख ली संजना? वीडियो ऑन करो ना बाबू। हाँ दित्रि क्या बोल रहे थे बाबू? अलजेब्रा फिर से पढ़ना है दित्रि, फिर से सीखना है? नो सर। तो सीख ली पूरा? बोलती नहीं है बाबू, डाउट रह गया बाबू कहीं कहीं। आया दित्रि? यस सर। कहीं अलजेब्रा में डाउट रह गया बाबू कहीं कहीं? हाँ बोलिए 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 ना। क्वेश्चन में डाउट था। किस में बाबू? इसमें। यस। तो इसमें आप फिर से बता देंगे, ठीक है ना? 10 नंबर बनाई बाबू, क्या करा बाबू? 4a है शैतान, 19 बी बाबू इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बाबू, किससे डिविजिबल है? 101 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 10 बाबू पेज नंबर 49 है, ठीक है। तो बाबू कह रहा है ए बी की वैल्यू निकालो, यहाँ ए है यहाँ बी है बाबू, ठीक है ना? तो ए बी है बाबू, तो कह रहा है ए और बी की वैल्यू क्या रखेंगे शैतान की? वही 101 से क्या हो? कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए ना। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा बाबू, ये जो ऑप्शन कर रहा है वो क्या कर रहा है? 5/4 कर रहा है, ठीक है। तो एक जगह 5 रखो बाबू, 4 हो गया, एक जगह 5 रखो, फिर 1 हो गया, 9 हो गया, बी की जगह क्या रख दो? 4 रख दो। अब इसको डिवाइड करो, देखो कि 101 से ये डिवाइड हो रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 4 टाइम्स में बाबू कितना लगेगा? 101 लगेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और
फोर टाइम्स में कितना हो जाएगा बाबू, 404 हो जाएगा ना श्वेता, 101 बाबू मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा श्वेता, और ये 4 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 9 लगा वो, फिर 4 टाइम्स में बाबू 404 हो गया। सर आपका स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है। अरे शैतान क्या हो गया बाबू? यस सर। हां मिस्टी अब क्या हो गया? हमारा सर अभी बहुत ज्यादा दिख रहा सर, फिर से तो यस सर ब्लर हो गया सर, सर ब्लर हो गया। हमारे जीरो अभी खुश किए हैं बाबू, बहुत ज्यादा ही ब्लर हो गया सर, वीडियो भी लगता है इसमें बहुत सारा का पेमेंट नहीं है बाबू, इसीलिए ऐसे का हो रहा है। अंबानी जी को अभी ना खुश किया शैतान, इसमें सारे का लगभग आइए, सारे का तो लगभग आइए गया बाबू, खाली हमारे जहाँ सर मेरे पापा पेमेंट कर दिए सर। हाँ बाबू कर दिए थे पता है, मेरा नहीं हुआ सोचो बाबू, मम्मी थोड़ा बिजी है सर इसीलिए। सर आपका नेटवर्क खराब है दिख रहा है लैपटॉप, अब लैपटॉप पटाक देंगे ठीक है ना। हाँ शैतान ये खराब हो रहा है, खराब हो जाएगा तो लैपटॉप पटाक देंगे बाबू, ये बार बार आज क्लास पूरा डिस्टर्ब हो गया, बीच में थोड़ा देर ठीक चला। हाँ सर बैचडी के टाइम में थोड़ा ठीक चला था। हाँ बाबू ये अंबानी जी आज पगला गए ठीक है ना, नेटवर्क क्या नहीं है। मोबाइल पे रख देंगे, रूम में क्या मोबाइल पे रख, मोबाइल पे राउटर को रख देंगे ठीक है ना। क्या सर राउटर को राउटर नहीं बाबू, वाईफाई राउटर को बाबू मोबाइल पे ला के रख देंगे, शैतान कहीं परेशान करके आपका वीडियो नहीं रुक गया सर, अभी भी आपके स्क्रीन के पास है ब्लैक ब्लैक दिखा रहा है सर। 10 नंबर समझ में आ गया सर, सर आपके स्क्रीन के पास है रेड रेड दिखा रहा है सर। यस सर रेड रेड दिखा रहा है। अब किससे कनेक्ट करें बाबू, 3 मोबाइल डाटा से भी नहीं हो रहा। हाँ तो घर का किसी का मोबाइल डाटा से कनेक्ट कर लीजिए ना, अभी हम सिंगल है बाबू। सर आपका घर में अभी कोई नहीं रहता है सर, आप अकेले रहते हैं? हाँ बाबू सिंगल में, बाकी से उतना मतलब नहीं है, दिन भर पढ़ाते रहते हैं बाबू इसीलिए झगड़ा चलता है। कितना पढ़ाता है, सुबह से पढ़ाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं है ना, रात को 10 बजे तक पढ़ा जाते हैं।